एक तो हमने पढ़ा था टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रथ, इसके साथ में ही मैंने आपको यह भी बताया था मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यूनिवर्सल ट्रथ होगा उसको एक्सप्रेस करना तो अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिटेंस का यूज करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी तो भी अपन क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे। इसके साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि साइंटिफिक फैक्ट हो, वैसे ये सारे यूनिवर्सल ट्रथ में आते हैं, हैबिचुअल एक्शंस हो, इनमें भी क्या करेंगे अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या बताया था मैंने, याद है आपको कुछ बताइए हाँ? हैबिचुअल एक्शन तो लिख ही दिया मैंने, इसके अलावा प्लैंड या हाँ कोई भी प्रोग्राम्ड शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एक्शंस जो होते हैं जो पहले से तय होते हैं उनको भी लिखना है तो अपन किसमें लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इतना ही बताया था, इसके अलावा भी कुछ बताया था, इतना ही बताया था। चलिए आज आगे बात करते हैं अपन इसके अलावा और कहां कहां यूज करते हैं। देखिए कुछ एक एडवर्ब्स होती है जो हमेशा तो नहीं पर प्राय जनरली वो किसी भी टेंस के लिए फिक्स होती है, तो आज मैं आपको एडवर्ब्स बता रहा हूं जो अगर किसी सेंटेंस में लिखी हुई आए आपको लगे कि सेंटेंस में ये वाली एडवर्ब आ रही है तो हमें वहां क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है, विद दीज एडवर्ब्स, फिर कह रहा हूं मैं हमेशा नहीं प्राय जनरली अक्सर ज्यादातर केसेस में है ना, उसमें यही बढ़ते हैं कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है। देखिए अगर आपको किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिले जनरली, क्या लिखा हुआ मिले जनरली, यूजुअली, ऑकेजनली, जनरली हो, यूजुअली हो, ऑकेजनली हो, किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिला रेयरली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, डेली, ऑलवेज, या किसी सेंटेंस में रेगुलरली, क्या लिखा हुआ है रेगुलरली, किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है वंस इन ए डे, वंस इन ए डे या वंस इन ए मंथ, वंस इन ए वीक, वंस इन ए ईयर, कुछ भी लिखा हुआ है ये क्या है भाई।
इसके अलावा वंस की जगह ट्वाइस भी आ सकता है, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस इन अ डे, वीक, ईयर, इसके अलावा हार्डली भी लिख सकते हैं आप, एक वर्ड होता है हार्डली। मोटा मोटी ये एडवर्ब्स आती है एग्जाम में, और भी होती है बहुत सारी, आप गाइड के थ्रू जाएंगे तो आप देख पाएंगे, लेकिन ये एडवर्ब्स अगर कहीं आपको किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिल रही है और वहां आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरना आ रहा है, तो इट मीन्स यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देयर। क्लियर? मैं एक दो एग्जांपल इसके करवाता हूं आपको, बाद में लिख लेना आप, टाइम दे दिया जाएगा आपको। जैसे राहुल ऑलवेज टू मार्केट, ये एक सेंटेंस आ गया, राहुल और गो की वर्ब भरनी है टू मार्केट। अब इस सेंटेंस को पढ़ो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या आया है, ऑलवेज एडवर्ब आई है, इसका मतलब ये तय हो गया कि इस सेंटेंस में अपन कौन सा टेंस भरेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। और कैसे भरते हैं ये आपको पता ही है, राहुल चूंकि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ में क्या लगा देंगे, एस आई एस लगाएंगे, और पीछे ओ आया है तो एस आई एस में से क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्या क्या चीजें आती है जब अपन एस लगाते हैं, हैं? नहीं नहीं, ए ही आई ओ यू थोड़ा होता है, अगर किसी सेंटेंस के पीछे ओ आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो अपन क्या यूज करेंगे, या डबल एस भी आ जाए तो अपन को ई एस जोड़ना है उसमें, क्या जोड़ना है, प्लस ई एस, और बाकी सब के साथ में एस जोड़ लें। लेकिन ये भी एक समझने के लिए ही है, ये कोई रूल नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है जहां पर ई एस नहीं जुड़ता, जब लास्ट में ये आते हैं तब भी, है ना। खैर ये अलग चीज है, आपको तो भी ये ध्यान रखना है इसमें अपन ने क्या भरा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरा है। क्लियर है? ऑलवेज आने की वजह से क्यों भरा है, ऑलवेज आने की वजह से। जैसे जनरली स्पीक की वर्ब भरनी है, जनरली ही बताइए क्या आएगा, स्पीक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पीक्स आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि जनरली इसमें आ रहा है, तो ये सारे लिखवाने की जरूरत नहीं है, या लिखवाने की जरूरत है, एक एग्जांपल और देखिए, माय ग्रैंड पेरेंट्स दिस मेडिसिन ट्वाइस इन ए डे, इसमें क्या भरेंगे आप, क्या भरेंगे, टेक्स भरेंगे, टेक ही भरेंगे इसमें, तो क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हैं
तो प्लूरल नाउन हो गया ना। अच्छा क्यों भर रहे हैं टेक बताइए, रीजन क्या है, टू क्यों नहीं भर रहे आप इसमें, इस टेकिंग क्यों नहीं भर रहे? हाँ क्योंकि इंडेफिनेट बनना है और इसमें क्या है एडवर्ब आई है ट्वाइस इन ए डे, इसलिए अपन क्या भरेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। तो सारे लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको मैं समझता हूं, या लिखवाने की जरूरत है? है नहीं है? आगे बढ़े, उतारने का क्या रखोगे आप, बाद में उतारोगे या साथ साथ उतारना है आपको? साथ साथ उतारना है। चलिए फिर पिछली स्लाइड करता हूं मैं, लीजिए उतार लीजिए। ये एडवर्ब अगर कहीं भी आपको देखने को मिलती है तो आपको क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। उतारने की थोड़ी सी स्पीड रखो, कई लोगों ने तो फोटो खींच लिया, बोर्ड का फोटो खींच रहे हो, अच्छा कल वाला है, चलिए उतार लीजिए। हो गया भाई, बढ़े आगे। तो ये एक और कंडीशन हो गई जहां पर अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, कर सकते नहीं, करेंगे ही पक्का, कर सकते नहीं है, सकते में तो दूसरे भी करोगे आप, और कहां इस टेंस का यूज करते हैं? इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, हेडलाइंस लिखा है मैंने, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कम बनता है, पर फिर भी अपन को ध्यान में रहना चाहिए कि अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें भी आपको कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। जैसे बॉम्ब और ब्लास्ट की बम फटा ऐसी न्यूज आई इन जयपुर, डिडवाना तो नहीं लिखूं मैं इसमें, कम से कम अपन तो बचे हैं। जयपुर में बम फटा, इसका मतलब काम तो हो गया, एक्शन तो क्या है, पुराना है,
पुराना है तो फिर कौन सा टेंस आना चाहिए था, पास्ट आना चाहिए था। लेकिन ये न्यूज़पेपर की अगर हेडलाइन बनती है तो फिर अपन क्या लिखेंगे, बॉम ब्लास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कम बनता है उससे ज्यादा इस पर गौर करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप एक बार उतार लीजिएगा इसको, ऐसी कंडीशन में भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ध्यान अपने को पूरा रहना चाहिए भले एग्जाम में आए या नहीं आए, पढ़ने का मतलब यही तो है। एग्जाम इसलिए नहीं ली जाती है कि उसको एग्जाम में देने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, एग्जाम इसलिए ली जाती है कि उसको सारा टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर उन्हीं से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, जबकि एग्जाम लेने वाली एजेंसी का टारगेट क्या था, ये थोड़ी था इसको इतना ही आए, उसका क्या टारगेट था, इसको संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। वो तो छांट के पूरे को पूछ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं उसमें से छांटते हैं, बाकी नॉलेज सारे टॉपिक का होना चाहिए। हो गया ये ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां करते हैं, देखिए कुछ एक वर्ब्स होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। मैं यहां लिख दूं, वर्ब्स दोज आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अलग अलग तरह की वर्ब्स होती है, आपको याद कैसे रहेगी उसकी लिस्ट तो आपको किसी बुक में मिल जाएगी, तो आप एक बार सारी देख लेना। मैं आपको हिंट दिए जा रहा हूं यहां, आप कैसे ध्यान में रखेंगे उन्हें। कुछ एक वर्ब्स होती है जो हमारी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है ना, ज्ञानेंद्रियां, जानते हैं आप ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, जैसे त्वचा हो गई, जैसे आंख हो गई, ये जो जो काम करती है, आंख क्या काम करती है, बस इतना ही काम करती, ठीक है। सी, देखने का मतलब क्या हुआ, सी। त्वचा क्या काम करती है, फील करने का। अपनी जीभ क्या काम करती है, टंग। टेस्ट करने का, ऐसे तो और भी काम करती है, किसी को गालियां मारनी हो तो भी, सासू से लड़ाई करनी हो तो भी, यही काम आती है। लेकिन ये भगवान ने किस लिए बनाई थी उस काम की बात कर रहे हैं। और क्या होती है, कान क्या काम करते हैं, हियर। चार ऑर्गन तो हो गई, एक कौन सी बच गई बताइए, देखिए जीके तो आप पढ़ते हैं ना। सेंस ऑर्गन्स पांच होते हैं ना, मस्तिष्क नहीं होता क्या, होता क्या सेंस ऑर्गन थोड़ी होता हो, हाँ नॉज हो गया, स्मेल, गुड। चलिए तो सी, फील, टेस्ट, हियर और स्मेल, ये आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रहे, फिर ये दूसरे टेंसेस में भी यूज होती है ना, लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जा रहा है इसका मतलब पक्का वो ये चेक करना चाह रहा है, इसको ये मालूम है या नहीं है, इसलिए आपको वहां क्या भर के आना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस केवल ये 5% केसेस में दूसरी जगह यूज करी जाती है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां करी जाती है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आपको इतना ध्यान रखना है, ये वर्ब्स अगर कहीं भी आए तो आपको क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा कुछ एक और वर्ब्स होती है वो भी ध्यान दें आप, उन्हें बोला जाता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, क्या बोला जाता है, हाँ कौन कौन सी होती है, नो, नो मतलब जानना, आपके सामने कोई आदमी आ रहा है
तो आप उसे कहेंगे मैं आपको जानता हूं, ऐसा ही बोलेंगे ना, मैं आपको, और नहीं जानते तो क्या बोलेंगे, मैं आपको नहीं जानता। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको जान रहा हूं, ये कोई प्रोसेस तो होगा नहीं, होगा क्या? मैं आपको जान रहा हूं, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये कौन से टेंस में बोला जाएगा? जनरली, फिर कह रहा हूं, नॉट ऑलवेज, जनरली दीज वर्ब्स आर यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड स्पेशली वन थिंग, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एनी एग्जाम, इट मीन्स देयर वी हैव टू फिल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली, क्योंकि वो ये चेक करना चाह रहा है कि ये आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नो हो गया। इसके अलावा एक वर्ब होती है लव, क्या होती है? लव, ये भी किस में भरी जाती है? इसी टेंस में भरी जाएगी। एक वर्ब होती है रिजेंबल, क्या होती है? रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब क्या होता है? किसी के समान दिखना, है ना, ये भी इसी में भरी जाएगी। चलिए ये लिख लीजिए, और इसके अलावा भी कुछ एक वर्ब्स होती है जो आप गाइड के थ्रू लिख लेंगे, इसलिए इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, मैंने आपको हिंट दिया है। ये अगर वर्ब्स कहीं पूछी जाती है तो वहां आपको कौन सा टेंस बनना है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनना। जैसे एक वर्ब प्रीफर होती है, प्रीफर, है ना, वो भी अक्सर इसी में है। एक वर्ब होती है थिंक, जनरली वो भी इसी में भरी जाती है। एक वर्ब होती है सपोज, वो भी जनरली इसी में भरी जाती है। बहुत सारी है, आप इस गाइड में से लिख लेना, जो जो मुझे माइंड में आ रही है हमने लिख दिए, उतार लीजिएगा इनको, उतार ली। एग्जाम्पल लिखवाऊं इसके आपको, देख लो एग्जाम्पल एक दो। This mango sweet, क्या भरेंगे? टेस्ट की वर्ब आ रही है तो क्या भर देंगे? टेस्ट भर देंगे। मैंगो क्या है? सिंगुलर है, तो अपन क्या भर देंगे? टेस्ट। एक सेंटेंस देखिए, आई और थिंक यू आर भरनी है, यू आर ए प्लेयर, मान लीजिए सेंटेंस आ गया और आपको कह दिया गया कि इसमें टेंस भरना है, तो अपन क्या भरेंगे? थिंक भरेंगे, आई के साथ क्या भर देंगे? तो जो जो मैंने लिखवाई थी, ही कॉफी, वह कॉफी लेना पसंद करता है, क्या भरेंगे अपन? प्रीफर्स, क्योंकि प्रीफर वर्ब आई ना,
इज फेस सिंगम लिख दूं, उसका फेस किससे मिलता है? सिंघम से मिलता है। तो अपन क्या बढ़ देंगे, आप बताइए क्या बनेंगे इसमें? रिजेंबल्स बढ़ देंगे ना। तो यहां अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। जो और होती है वर्ब्स वो आप लिख लेंगे, उतार लें आप, ये आगे बढ़े। पीछे निकालूं क्या वो स्लाइड, आपने वो वर्ब्स नहीं उतारी हो तो ये उतार लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। हो गया, चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स भी उतारेंगे क्या आप? ये लो उतार लो। उतारने का तो ऐसा है, अगर आप नहीं उतार पाते ना टाइम पे तो आप ये मैटर तो पढ़ा ही रहता है इसमें, और वैसे ही अपनी लास्ट क्लास होती है तो उसके बाद बैठ के इधर उधर करके उतार लिया करो आप, ताकि थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो अपना। उतारने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, और समझकर फिर एक्सरसाइज करना और इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, कोचिंग में पढ़ लीजिए, घर पे पढ़ लीजिए, गाइड से पढ़ लीजिए, गुरुजी से पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। एक दो कंडीशन और देखते हैं जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, हालांकि एग्जाम में वहां से भी कम पूछा जाता है। आपने कभी सुना है कमेंट्री? क्या होती है कमेंट्री बताइए? मैचेस में होती है ना, इन कमेंट्री ऑफ मैचेस। जो मैचेस की कमेंट्री होती है, बोले फुटबॉल का मैच हो, बोले क्रिकेट का मैच हो, बोले हॉकी का मैच हो, बोले कबड्डी का मैच हो, उसमें भी जब बोला जाता है तो जनरली कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री में कहें, हरभजन ये मैंने पहले तो नहीं बताया ना आपको, पहले नहीं लिखवाया ना अभी ये वाला रूल। एंड सचिन से खिलवा रहा हूं मैं हरभजन की बॉल, कोई दोनों इंडिया के प्लेयर आ गए ना, कोई दूसरी कंट्री के बैट्समैन का नाम बताओ। अरे पुराने के बताओ जिनको मैं जानता हूं। हाँ गिलक्रिस्ट लिख सकते हैं,
रिकी पॉन्टिंग लिख देते हैं, अच्छा खेलता था रिकी पॉन्टिंग। और प्ले की वर्ब भर वाली आपसे, टुवर्ड्स मिड विकेट, अब इसको कितना ही बड़ा कर लो आप, ये आपको पता चल रहा है ये क्या है, मैच की कमेंट्री है, तो आपको यहां कौन सा टेंस भरना है, इनडेफिनेट टेंस ही भरना, भले किसी भी मैच की कमेंट्री हो, एग्जाम में कम पूछा जाता है फिर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, कई बार पूछ लिया तो टेक को क्या भर देंगे अपन, टैक्स भर देंगे, रन को क्या भर देंगे, रन्स भर देंगे, थ्रो को क्या भर देंगे, थ्रोज, क्योंकि सब में क्या है सिंगुलर ही, उसके लिए रिकी पॉन्टिंग खेल रहा तो वो भी सिंगुलर हुआ, क्या भर देंगे, प्लेस भर देंगे, ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। उतार लीजिएगा इसको भी, उसके बाद एक दो कंडीशन और है जहां इस टेंस का यूज करते हैं अपन, लास्ट में मिड विकेट लिखा है मैंने, मिड विकेट की तरफ होता है ना, ऑफ साइडर, लेग साइडर, मिड विकेटर, कौन कौन सी होती है, इसके अलावा इस टेंस का और कहां कहां यूज करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं आपको बताता हूं, मिटा दूं इसको, हो गया ना ये सबका, आपने कभी नाम सुना है अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंसेस का, सुना है ना, तो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें तीन तरह की कंडीशन होती है, कितनी तरह की कंडीशन होती है, तीन तरह की, उसमें जो पहली कंडीशन होती है उसको अपन कहते हैं ओपन कंडीशन, क्या कहते हैं, ओपन कंडीशन, इसको प्रोबेबल कंडीशन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोबेबल कंडीशन, ओपन कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन में एक तरफ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे, उसकी कैसे बनती है कंडीशन, एक तरफ उसमें इफ क्लोज रहता है, कंडीशनल सेंटेंस वही तो होते हैं ना, यदि मैं तेज दौड़ता तो मेरे बस हाथ आ जाती, यदि मैं मेहनत करता तो परीक्षा में पास हो जाता, यदि मैं नौकरी लग जाता तो मेरी शादी हो जाती, ये सारी क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेज है, तो इसमें एक तरफ इफ क्लोज मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इफ क्लोज, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा आपको, मेन क्लोज, एक होता है मेन क्लोज, दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लोज, है ना, एक तो क्या होता है जो इंडिपेंडेंट होता है और एक होता है दूसरा डिपेंडेंट, जैसे यदि वह मेरी हेल्प करता तो मैं परीक्षा में पास हो जाता, मेन क्लोज क्या है, मैं परीक्षा में पास हो जाता, और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, यदि मैं मेहनत करता तो सबऑर्डिनेट क्लोज को इफ क्लोज बोलते हैं, पर इफ क्लोज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है, लेकिन कब भरना है, यदि मेन जो क्लोज होगी उसमें आपको विल, शैल, मे, कैन और इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, क्या दी हुई हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, इफ क्लोज में तभी प्रेजेंट, अगर इधर ये दिया हुआ है तो इधर पक्का आपको क्या बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनना है, अच्छा इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे दिया और इधर खाली जगह छोड़ दी तो आपको क्या भरना है, ये वाला भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यही यूज किया जाता है, वैसे तीनों क्लॉज जो होती है वो अगले टेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो उनमें चर्चा करेंगे, मैं लिख देता हूं यही आपको ध्यान में रहे, वो इस टेंस से रिलेटेड नहीं है, यदि इफ क्लॉज में
इस तरफ आपको सब्जेक्ट और वुड शुड माइट कुड और इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो आपको इस तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। इस दूसरी वाली जो कंडीशन है इसको बोला जाता है इम्प्रोबेबल कंडीशन। क्या बोला जाता है? इसका नाम होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन। और तीसरी होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, या आप कह सकते हैं इमेजिनरी कंडीशन। उसमें क्या होता है? आपको मेन क्लोज जो होगी उसमें आपको दिया जाएगा वुड हैव। क्या दिया हुआ जाएगा? वुड हैव। मैं सबका साथ में लिख रहा हूं, वुड हैव या शुड हैव या फिर माइट हैव या फिर कुड हैव, इनके साथ में हैव जुड़ा रहेगा। और मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा दिखने को मिले आपको तो आपको इधर इफ क्लोज में हेल्ड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। ये तीन तरह की कंडीशन होती है। इस तीसरे वाली को बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या बोला जाता है? या फिर इमेजिनरी भी बोल सकते हैं आप, इमेजिनरी कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस में अभी हम केवल पहली कंडीशन की बात करेंगे, क्योंकि अपन कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो अपन कौन सी कंडीशन की बात करेंगे? पहला जो मैंने लिखा है ओपन कंडीशन, मतलब इस टेंस में जो रिलेशन है वो केवल इस तक ही है, ध्यान रहे आपको। उतार ले एक बार फिर मैं इसका एग्जांपल करवा देता हूं। फिर कह रहा हूं आपको मैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान में रहना चाहिए। अक्सर इन तीनों कंडीशंस में से एक सेंटेंस पूछ लिया जाता है। लिख तो आप तीनों लो, लेकिन बाकी को अपन एक्सप्लेन तब करेंगे जब इनसे रिलेटेड टेंसेस पढ़ेंगे। जैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तब करेंगे। इसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज पढ़ेंगे तब उस समय मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। उतार लिया आपने? सबने उतार लिया। चलिए हो गया, तो अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेंटेंस आ जाए आपको इफ ही और कह दिया वर्क हार्ड की फॉर्म बननी है, He will pass the exam. बताइए क्या भरेंगे आप इसमें? हैं? क्या भरेंगे? Works hard भरेंगे। Works hard हम इसलिए भर रहे हैं क्योंकि इस तरफ क्या दिया हुआ है? Will plus फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। यही सेंटेंस मान लीजिए ऐसा आता आपको, इफ ही, सेम सेंटेंस है, ही वुड पास द एग्जाम, ये सेंटेंस आ गया मान लीजिए।
अब आप क्या भरेंगे इसमें? हाँ अब इसमें क्या भरना पड़ेगा अपन को? और पास्ट इंडेफिनिट वर्क हार्ड यानी सेकंड फॉर्म भरेंगे। ये मैं समझाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा तब, है ना? तो उधर का देख के इधर भरना है आपको, और उधर खाली जगह आए तो इधर का देख के भरना है, ये आपको ध्यान रहे। एक दो एग्जांपल और लिख दीजिएगा। आई टैक एन अम्ब्रेला विद मी इफ, और आपको कह दिया रेन की वह भरनी है। बताइए इफ क्लोज किधर है? उस तरफ, और इस तरफ वाला क्या है? मैन क्लोज है। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? अपन सबसे पहले देखेंगे मैन क्लोज में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो कंडीशन कौन सी हुई? ओपन कंडीशन हुई ना। देखो ये सेल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सी कंडीशन बन रही है? ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन है तो इस तरफ क्या भरेंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली मैन क्लोज है, इफ क्लोज उधर दी गई है, तो अपन क्या करेंगे? इट के साथ में रेन की वर्ब भरेंगे, तो क्या भरेंगे? रेन्स, इफ इट रेन्स टुडे। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं ये बताओ मुझे। आ गई? पक्का कर देंगे, है ना? एग्जाम ओरिएंटेड है इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको बार बार। अगर एक तरफ विल सेल कैन मे प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दूसरी तरफ आप बिना सोचे समझे क्या भरेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। चलिए उतार लीजिएगा इनको, फिर इसको क्लोज करते हैं अपन आज। ये लगभग पूरा हो गया, मोटा मोटी यहीं से पूछा जाता है। एक चीज और लिख लीजिएगा अंतिम, वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये उतार लिया हो आपने तो मैं लिखवा दूं। देखिए कोई पुरानी चीज हो, पुरानी चीज हो, कोई पुरानी कहानी बतानी हो, है ना, और उसको जीवंत बनाना हो, क्या बनाना हो? जीवंत। पुरानी चीज को जीवंत कैसे बनाएं? बना सकते हैं क्या आप पुरानी चीज को जीवंत? जीवंत का मतलब होता है ऐसा लगे जैसे ये सामने चल रही है। आपने कभी नाटक वगैरह पढ़े हैं? उसमें के पर्दा गिरता है लिखा हुआ ना, पर्दा गिरता है। या आप इसको यू समझो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस लाइव डिस्क्रिप्शन, लाइव डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जीवंत विवरण। क्या होता है? जीवंत विवरण, किसी भी चीज को जीवंत बनाना हो। जैसे आप पन्ना जाए और उसकी चंदन की अगर आप किसी को स्टोरी बता रहे हैं, तो एक तो तरीका ये हो जाएगा उसको पास्ट में बताएंगे अपन। बनवीर आया, तलवार लेकर आया, महल में घुसा, पन्ना से पूछा कि चंदन कहाँ सो रहा है। चंदन का पूछा या उसका? उदय सिंह का पूछा था। उदय सिंह कहाँ सो रहा है? पन्ना ने राष्ट्र सेवा के लिए चंदन की तरफ इशारा किया और स्वामी भक्ति दिखाई उसने, और बनवीर ने तलवार से चंदन के टुकड़े कर दिए। एक तो ये हुआ हमने पास्ट में इसको बताया, अब इसी को जीवंत बनाना है। तो क्या इतने में बनवीर आता है और आते ही पन्ना ध्याय से पूछता है उदय सिंह कहाँ है बता मुझे। पन्ना ध्याय डर के मारे चंदन की तरफ इशारा करती है और वह अपनी तलवार को निकालकर चंदन के
दो टुकड़े कर देता है। इसको अपन ने किसमें बताया? प्रेजेंट सिंपल में बोला। किसमें बोला? प्रेजेंट सिंपल में। वो इसलिए बोला कि लाइव डिस्क्रिप्शन हो सके इसका, समझे आप मेरी बात को। हालांकि एग्जाम में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ हम देखते तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका क्या कर रहा है, वो जीवन विवरण करना चाह रहा है, उसे आनंद आता है थोड़ा। हमारे साथ एक लड़का तैयारी करता था, वो क्या जीवंती पढ़ता था, और जीवंती क्या, वो तो आवाज के साथ कितने में महाराणा प्रताप घोड़ा लेकर आया, दड़बड़ 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 सामने से मान सिंह का हाथी, महाराणा प्रताप ने तलवार निकाली शूं, ऐसे और करता था, आवाज ही निकालता था, समझ रहे आप। तो लाइव डिस्क्रिप्शन का थोड़ा आनंद अलग होता है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैं लिखवा देता हूं एक दो एग्जाम्पल। जैसे राजेश शुक्ला मिस्टर गांधी एंड the condition of farmers in Bihar emotional after, अच्छा इसमें तो नहीं आएगा, सॉरी है ना, ये पुराना ही वाकया है। इसको अपन किसमें लिख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए कि जीवंत बन सके ये। तो अपन क्या लिखेंगे, कम्स, इधर क्या लिख देंगे, टेल्स, यहां क्या लिख देंगे, बिकम्स, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज पढ़ा है दो क्लासेस में। अब आपको करना यह है कि घर पे जाके एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां भरा हुआ है उस सेंटेंस में जो जो कंडीशंस हमने पढ़ी है उन कंडीशंस में मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों आया है। तो वो कंडीशन लेके आना आप, तो अपन उन पर विचार करेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। हो सकता है कोई एक दो कंडीशन और छूट गई हो, बाकी जनरली इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये उतारा नहीं है तो स्लाइड को आगे पीछे करके आप उतार सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं अपन।